ना, तो टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है हमने क्या दिया, 2/9 r² g इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय थीटा। अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे आप लोग फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट फर्स्ट वीटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक, अब इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, ये क्लियर हो गया, इसी से समझ में आ जाएगा कि अगर आप रेडियस को एन टाइम्स बढ़ा दोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। सेकेंड लिखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वो जो सॉलिड स्फीयर है ना उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा सॉलिड की डेंसिटी उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा। लिख लेंगे इसको, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अगर किसी सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा तो फिर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा, मतलब दो सेम रेडियस की अगर हम सॉलिड ले है ना, दो बॉल ले, दो सॉलिड की बॉल ले, दोनों का मटेरियल अलग हो, दोनों का साइज सेम हो लेकिन, और दोनों को सेम लिक्विड में अगर हम डुबाते हैं तो ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी किस सॉलिड की होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक, थर्ड है, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, वीटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, वीटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड। अब नेचर ऑफ फ्लूइड में कौन कौन सी क्वांटिटी है जो नेचर ऑफ फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रो एल एंड ईटा। ईटा जो है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी किसकी होगी, फ्लूइड की, और ये जो डेंसिटी ये भी किसकी है, फ्लूइड की। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और टर्मिनल कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इस पर डिपेंड करती क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड। तो इसलिए हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी और ईटा जितने कम होंगे है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ईटा की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। क्यों, ये माइनस में बेटा, ये माइनस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो अगर ये वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ईटा कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल न्यूमरेटर में वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेसर द वैल्यू ऑफ ईटा एंड रो एल, ऐसा लिखोगे, लेसर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, लेसर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेटर विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी, ग्रेटर विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी, ग्रेटर विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। विस्कोसिटी फ्लूइड की जितनी कम होगी, मतलब फ्लूइड का फ्रिक्शन जितना कम होगा, इंटरनल फ्रिक्शन, और फ्लूइड की डेंसिटी कितनी कम, जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। इसके अलावा टर्मिनल वेलोसिटी और किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे, vt proportional to g, that is terminal velocity is proportional to acceleration due to gravity.
है ना। मान लो अगर प्लेनेट चेंज हो जाए, तो प्लेनेट चेंज हो जाएगा तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब सेम सेटअप को अगर हम अर्थ से उठा के मून में ले जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ जाता होगी बेटा, सेम सेट को अगर हम अर्थ से उठा के मून में ले जाए, है ना, जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू देख के हमको समझ में आता है, एक आइडिया लगता है कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट। ठीक, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो फ्लो जो रहेगा स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो लिख लेंगे, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 तो जो फ्लो रहेगा, फ्लो जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन। लिख लेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से कम है तो फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज्यादा है तो फिर फ्लो क्या रहेगा, टर्बुलेंट। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इफ रेनॉल्ड्स नंबर है ना, अगर ये ग्रेटर देन 2000 है तब फ्लो क्या रहेगा, टर्बुलेंट। लिख लेंगे इसको, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है तो फ्लो रहेगा टर्बुलेंट, और अगर 1000 से 2000 के बीच में तो बीच का रहेगा, एकदम ना ही वो रहेगा अपना स्ट्रीमलाइन रहेगा और ना ही एग्जैक्ट टर्बुलेंट रहेगा। स्ट्रीमलाइन नहीं होगा तो सर तो टर्बुलेंट ही रहूंगा। यस सर। ओके अच्छा, नेक्स्ट, इसके अलावा बेटा हमने क्रिटिकल वेलोसिटी तो हमने देख लिया था, है ना, गुड, लिख ले दे ये रिलेशन, रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन। आ रही तो रेनॉल्ड्स नंबर है, वीसी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, डी क्या है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ ट्यूब जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। लिख लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके आगे स्ट्रीम है ना, फ्लूइड की अगर कभी वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ी कि फ्लूइड किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी दे दिया किसी फ्लूइड की, और आपसे पूछा, आपको पूछा रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, तो आप रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हो यहाँ से, है ना, लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर दे दिया और वेलोसिटी पूछा फ्लूइड की तो भी यही फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इससे सिर्फ क्रिटिकल वेलोसिटी ही निकालोगे, रेनॉल्ड्स नंबर जो दिया है वो रेनॉल्ड्स नंबर देख के आपसे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड भी पूछ सकता है, तो भी यही फॉर्मूला आप लगाएंगे कि, और से डायमीटर ऑफ ट्यूब भी दिया। देखो अगर ईटा जीरो हो जाए, है ना, ईटा जीरो इधर जाएगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी जीरो। नोट कर लेंगे, इट इज क्लियर दैट इफ ईटा इज इक्वल टू जीरो, वीसी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज मोशन विल बी टर्बुलेंट फॉर ऑल velocities. Next point. Sir, हाँ. Sir, आप एक और point तो लिखाए थे ना कि अगर किसी भी instant पे हम लोग को. Next point रहेगा. Thus velocity appears to be. Viscosity. Thus viscosity appears. Thus viscosity appears to be. A property of fluid, a property of fluid, thus viscosity appears to be a property of fluid which is responsible for orderliness and steady flow. विस्कोसिटी के कारण
जो फ्लूइड का फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्टेडी फ्लो है. क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू इन द मस्टर्ड ऑयल. द ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज एफ. द ड्रैगिंग फोर्स ऑन द कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2R मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2U इन द मस्टर्ड ऑयल इज फर्स्ट ऑप्शन एफ, सेकेंड 2F, थर्ड 4F एंड लास्ट इज 8F. है ना, मस्टर्ड ऑयल है मतलब दोनों केस में मीडियम वही है, फ्लूइड वही है मस्टर्ड ऑयल. पहले केस में कॉपर बॉल का रेडियस है स्मॉल r, ठीक, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है u. दूसरे केस में है ना, इसमें जो ड्रैगिंग फोर्स लग रही है उस पर कितनी लग रही है, विस्कस फोर्स f. जो ड्रैगिंग फोर्स लगा रहा है कौन लगाएगा, फ्लूइड. कौन है फ्लूइड, मस्टर्ड ऑयल, वो कितनी लगा रहा है f. अब अगर कॉपर बॉल का रेडियस डबल हो जाए 2R हो जाए और वो 2U स्पीड से मूव करने लग जाए, 2U स्पीड से मूव करेगी तो फिर उसमें ड्रैगिंग फोर्स कितनी लग रही, तो मान लो उसमें कितनी लग रही है F डैश. तो यहां से क्योंकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा किसी फ्लूइड में तो उसमें जो फोर्स लगेगी है ना, फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स जो लगेगी, इट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ. F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी. F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी. ठीक, अब ईटा ऑयल तो वही है दोनों स्फीयर के लिए, तो ईटा 6 पाई दोनों के लिए कॉमन है, तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू आर वी. ठीक, तो यहां से F डैश अपॉन F इक्वल्स टू F डैश के करस्पॉन्डिंग रेडियस और वेलोसिटी क्या है 2R और वेलोसिटी 2U, तो 2R इंटू 2U अपॉन F के करस्पॉन्डिंग रेडियस और वेलोसिटी क्या है R और U. तो ये कितना आ गया बेटा, R U R U कैंसल, 2 2 4. F डैश कितना आ गया 4F. Therefore F डैश विल बी इक्वल टू 4F. तो जो नई ड्रैगिंग फोर्स लगेगी मतलब इस लार्जर कॉपर बॉल में जो लगेगी वो कितनी रहेगी 4F. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ 2 सेंटीमीटर रेडियस बॉल इन अ विस्कस लिक्विड इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी इफ द रेडियस ऑफ द बॉल इज हाफ. चार ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 40, 20 एंड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है ना बेटा, तो जो मेन फॉर्मूला है वो हमको हमेशा ध्यान रखें. अब देखो बॉल है ना, बॉल वही है मतलब बॉल का मटेरियल वही है, वही बॉल है. पहले रेडियस 2 सेंटीमीटर था और बाद में रेडियस हाफ कर दिया, मतलब बॉल वही है, लिक्विड में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है. तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जी, ये सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे. ठीक, तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, इनिशियल कंडीशन में टर्मिनल वेलोसिटी थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. जब इनिशियल कंडीशन में रेडियस आपको दिया था, रेडियस दिया था 2 सेंटीमीटर, फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो रेडियस हाफ हो रहा है. रेडियस हाफ होने का मतलब 2 सेंटीमीटर से कितना हो गया, फाइनल रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. तो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, वीटी डैश ये हमसे पूछ रहा है. तो सीधा सीधा वीटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो वीटी डैश बाय वीटी इक्वल्स टू वीटी डैश के करस्पॉन्डिंग रेडियस कितना है 1. यूनिट वही रहने देते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर वो कैंसल हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट अपने आप सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा. तो वीटी बाय वीटी डैश बाय वीटी है ना, फॉर्मूला ये लगा रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट है वीटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो वीटी डैश के सामने उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन वीटी के सामने उसका रेडियस है 2, 2 का स्क्वायर, यहां से 1/4 आ गया. देयरफॉर वीटी डैश इक्वल्स टू वीटी बाय 4. वीटी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड बाय 4, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर है ये? यस सर. क्या दिया बेटा क्वेश्चन, अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स over the free surface of a liquid. If the depth of the liquid is
1 meter and the liquid in contact with bed is stationary, coefficient of viscosity of liquid is 0.01 poise. Find the tangential force needed to move the plate. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. अब ये प्लेट है, प्लेट ऐसे रखिए, हॉरिजॉन्टली रखिए, ऐसे रखिए बेटा, हॉरिजॉन्टली रखिए, है ना. इसका जो एरिया है ये है, ये वाला जो एरिया है ये आपको क्या दिया, 2 meter square. मतलब जो सरफेस एरिया है प्लेट का वो 2 meter square है. और इतना ही भाई, जितना प्लेट का एरिया होगा उतना ही एरिया तो कॉन्टेक्ट एरिया होगा, है ना. तो जो एरिया ऑफ प्लेट है 2 meter square, उतना ही कॉन्टेक्ट एरिया होगा बिटवीन फ्लूइड एंड प्लेट. प्लेट और फ्लूइड के बीच में जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो भी कितना होगा, 2 meter square. तो ये है ना, ये प्लेट है बेटा और ये फ्लूइड है ना. तो इस पे प्लेट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे, कितनी वेलोसिटी से, 2 meter per second से, बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स. ऐसा लगा रहे हैं इसमें, बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स ओवर अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. आप ऐसा मान लो कि यही फ्री सरफेस है, इसी पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, और ये प्लेट जो है मूव कर रही है, या ये जो फ्री सरफेस है ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 2 meter per second से. एक इफ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 meter, लिक्विड का जो डेप्थ है बेटा वो कितना है, 1 meter. ठीक. और जो बेड में जो लिक्विड है, जो लिक्विड जो है सरफेस के साथ कांटेक्ट में, मतलब बॉटम के साथ, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0. एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है, 0.01 पॉइस, मतलब 10^-2 पॉइस. बट इट इज नॉट एसआई यूनिट. एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए है ना, जैसे 1 day का पॉइस 10 पॉइस है, 10^-1 से मल्टीप्लाई. 2 day का पॉइस कितना हो जाएगा, 20 पॉइस. मतलब डेका पॉइस को पॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उल्टा अगर पॉइस को डेका पॉइस से में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे, तो ईटा हो जाएगा 10^-2/10 डेका पॉइस, दैट इज 10^-3 डेका पॉइस. ये हो जाएगा ईटा. ईटा क्या हो जाएगा, 10^-3 डेका पॉइस. ठीक. अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट. ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जिसके कारण प्लेट को हमको मूव कराना है कांस्टेंट वेलोसिटी से. अब बेटा ये प्लेट का कांटेक्ट सरफेस है, अब कांटेक्ट सरफेस इस पे क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा. प्लेट किधर मूव, टेंजेंशियल फोर्स अगर इधर लग रही है तो प्लेट किधर मूव करना चाह रही है, राइट साइड. तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है किसके किसके बीच का, लिक्विड और प्लेट के बीच का, वो अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगाएगा. ये क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगाएगा. तो अगर इस प्लेट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है 2 meter per second से, तो टेंजेंशियल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, विस्कस फोर्स के, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. अदरवाइज टेंजेंशियल फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ये प्लेट क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी. नेट फोर्स 0 होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए. तो क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको मूव कराने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ एक फ्रिक्शन लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ विस्कस फोर्स. हमसे क्या पूछ रहा है, कितनी टेंजेंशियल फोर्स लगेगी ताकि प्लेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके. तो द फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद विस्कस फोर्स. किसके बराबर होना चाहिए, विस्कस फोर्स के बराबर. डायरेक्शन अपोजिट होगा. अभी हमको लेकिन इंटरेस्ट किसमें है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने में. तो फोर्स, वो टेंजेंशियल फोर्स किसके बराबर होगी, विस्कस फोर्स के. और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, कितना है, -ηA dV/dy. तो याद रखना कि हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, विस्कस फोर्स की, लेकिन बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है इसलिए टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू विस्कस फोर्स के बराबर है. तो अगर मैं विस्कस फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लिया तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेंजेंशियल फोर्स की. क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट. ठीक है, तो वैल्यू पुट किया मैंने F = -ηA. ηA की वैल्यू 10^-3 है ना. माइनस साइन हटा भी सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट किसमें, मैग्नीट्यूड निकालने का.
एरिया टू है मीटर स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी वाई, मतलब चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन वर्टिकल डिस्टेंस का डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है ऊपर से नीचे तक देखो, वेलोसिटी टॉप मोस्ट लेयर में 2 है और बॉटम में 0, तो 2 माइनस 0 अपॉन डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है वर्टिकल डिस्टेंस का 1 मीटर, तो अपॉन 1। तो यहां से आ जा रहा है देखो फोर्स आ जा रहा है, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं माइनस साइन हटेगा, 2 माइनस 0 2, 2 टू द 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आ जाएगी फोर्स। तो इतनी टेंजेंशियल फोर्स लगेगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी इफ दीज टू ड्रॉप्स वेयर कोएलीज, कोएलीज मतलब कंबाइन है ना, दोनों मर्ज हो जाएंगे, वेयर कोएलीज फॉर्म अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप। पहले दो अलग अलग रेन ड्रॉप्स थे, ठीक है, वो साइज दोनों का इक्वल था, मतलब दोनों का रेडियस क्या है सेम, दोनों फॉल कर रहे थे विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। किसमें फॉल कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, तो फ्लूइड, अब इस केस में फ्लूइड कौन है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना, वो फ्लूइड है। तो एक ये हो गया जिसका रेडियस है मान लो आर, रेडियस नहीं दिया हम एज्यूम कर रहे, एक और हो गया जिसका रेडियस है आर, है ना, दो आइडेंटिकल ड्रॉप्स है ना, दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी टर्मिनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये इनिशियल कंडीशन हो गई, अब क्या हो रहा है बेटा, अब दोनों कोएलीज हो गए, कंबाइन हो गए, अब कंबाइन होने के बाद फाइनली क्या हो रहा है, दोनों कंबाइन हो गए, अब इनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है हमको फाइंड करना है। तो दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद मान लीजिए इनका रेडियस है आर, कैपिटल आर, अब ये रेडियस क्या है अभी हमको निकालना पड़ेगा, और टर्मिनल वेलोसिटी है मान लो vt डैश, ये हमको निकालना है। हमको मालूम है कि टर्मिनल, सारी कंडीशन तो सेम है अभी भी, भाई ड्रॉप अगर कंबाइंड हो भी जाए तो बाकी सारी कंडीशन सेम है, रेडियस बस चेंज होगा, बाकी आपको मीडियम तो वही है, मीडियम की डेंसिटी वही है, इनकी ड्रॉप की डेंसिटी भी वही है, बाकी सारी चीजें वही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी वही है, तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हमको इनिशियल रेडियस पता है, अब किसी एक ड्रॉप को इनिशियल कंडीशन में है ना, किसी एक ड्रॉप को जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उसकी वेलोसिटी और उसके रेडियस को हम लार्जर ड्रॉप की वेलोसिटी और रेडियस से कंपेयर करें, दोनों से मतलब नहीं है कंपेयर करने का क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, किसी एक को लेंगे, किसी एक ड्रॉप को कंपेयर करेंगे, किसी एक ड्रॉप का के रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे किसके, फाइनल कंबाइंड ड्रॉप के रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी से। तो हम यहां लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कंजर्वेशन, इनिशियल वॉल्यूम जितना है उतना ही फाइनल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो कहीं जा रहा नहीं है ना बेटा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाओगे तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है सिस्टम का, तो एक का इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है 4/3 pi स्मॉल आर क्यूब है ना, इसका भी 4/3 pi स्मॉल आर क्यूब, तो 2 × 4/3 pi स्मॉल आर क्यूब ये हो जाएगा, एक का इतना तो दोनों का इतना करोगे, दोनों का कितना तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इज इक्वल टू भाई ये दोनों का वॉल्यूम मिलके ही तो फाइनल वॉल्यूम बनाएगा, फाइनल ड्रॉप का वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कितना 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब, इसके रेडियस की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हमको इसके रेडियस की वैल्यू जो फाइनल जो सिंगल लार्ज ड्रॉप है इसके रेडियस की वैल्यू इस स्मॉल ड्रॉप के रेडियस की वैल्यू के कंपेयर में हम निकाल लेंगे, इसके टर्म में हम निकालेंगे स्मॉल आर के, तो 4/3 pi 4/3 pi कैंसिल, तो 2 × r³ इक्वल्स टू आर क्यूब, तो आर कितना हो जाएगा बेटा 2³ × r, ये समझ में आया सबको, यस सर। इसको हम कंपेयर करेंगे, मैं ये वाला ड्रॉप ले रहा हूँ इसका, इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी vt डैश अपॉन इसकी कितनी है, vt कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, ये हम बाद में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू vt डैश के सामने उसका रेडियस का स्क्वायर, मतलब जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी है जिस ड्रॉप की उसका रेडियस का स्क्वायर,
उसका रेडियस कितना है बेटा, अभी ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, अपॉन जो स्मॉलर ड्रॉप है उसके रेडियस का स्क्वायर, तो अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो वी टी डैश ये हमको निकालना है अपॉन वी टी मतलब इस स्मॉलर ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी वन है मीटर पर सेकेंड में इज इक्वल टू लार्जर ड्रॉप का रेडियस, लेकिन हमको क्योंकि वेलोसिटी निकालना है तो लार्जर ड्रॉप के रेडियस को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस के कंपैरिजन में, सब्सटीट्यूट करो इसके टर्म में, तो आर का स्क्वायर मतलब 2^1/3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर करोगे तो 2^2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और नीचे में एक स्मॉल आर स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा 2^2/3 इंटू 1, तो यहां से वी टी डैश कितना आ जाएगा 2^2/3 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? यस सर। फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन, ब्रैकेट में लिखा है डेंसिटी इक्वल्स 1.3 ग्राम पर सीसी इफ अ स्टील बॉल ऑफ 2 मिलीमीटर रेडियस, ब्रैकेट में डेंसिटी इक्वल्स टू 8 ग्राम पर सीसी एक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन फॉलिंग फ्रीली इन द टैंक ऑफ ग्लिसरीन। टर्मिनल वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ जाएगा ठीक। अब टर्मिनल वेलोसिटी हमारी दी है, सारी चीजें हम सीजीएस में यूज करेंगे तो ईटा पॉइस में आ जाएगा, तो यहाँ से ईटा आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी बाय वी टी टर्मिनल वेलोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है क्योंकि सारी वैल्यूज हमको दी हैं, थीटा आ जाएगा 2/9 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस दिया है 2 मिलीमीटर, बस इसको हमको कन्वर्ट करना है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। हाँ क्या बोले श्रेया? हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 मिलीमीटर है ना, तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा है ना 0.2 सेंटीमीटर होगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.04 ठीक। अब गड़बड़ यहाँ पर आप लोग जी में कर रहे होगे, गड़बड़ को 10 गड़बड़ बोल रहा हूँ जी को आप 10 है ना, सारी वैल्यूज दी है बस हमने वैल्यू पुट किया है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि जी को हमको 980 लेना है या फिर 1000 ले लो, जैसे 9.8 की जगह 10 लेते हैं वैसे 980 की जगह 1000 ले लो, तो आंसर आ जाएगा 14.6 पॉइस है ना। अ फोर्स ऑफ 3.14 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन अ मीडियम, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम इज फर्स्ट ऑप्शन 8.3 पॉइस, सेकंड 4.3 पॉइस, थर्ड 7.4 पॉइस एंड द लास्ट इज 2. अब स्फीयर है, स्फीयर में है ना 4 सेंटीमीटर आर रेडियस का स्फीयर है, इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने में, किसमें ले जा रहे हो आप, ये कौन कहाँ प्रेजेंट है स्फीयर, एक मीडियम में प्रेजेंट है, एक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने में कितनी फोर्स लग रही है 3.14 न्यूटन। ऑब्वियसली अगर इसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से हम लेके जा रहे हैं, अच्छा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगती है कौन सी फोर्स लगती है, विस्कस फोर्स, उसको कौन देता है स्टोक्स लॉ। तो अगर आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आपको 3.14 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने में, तो जरूर आप किसी अपोजिट फोर्स को काउंटर कर रहे हैं, तभी तो आपको फोर्स लगाने के बाद भी आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, अदरवाइज अगर कोई काउंटर या अपोजिंग फोर्स नहीं होती तो इस फोर्स ये फोर्स लगने से ये क्या करता है एक्सेलरेट करता, लेकिन आप फोर्स लगाने के बाद भी अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब आप जरूर ये जो फोर्स लगा रहे हो या आप किसी अपोजिंग फोर्स के बराबर फोर्स लगा रहे हो, अपोजिंग फोर्स कौन सी बेटा विस्कस फोर्स विच इज गिवन बाय 6π ईटा आरवी, तो अब क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स से आप इसको ले जा रहे हो तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब आप जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो वो किसके बराबर है विस्कस फोर्स से, विस्कस फोर्स के, तो कहने का मतलब ये है कि विस्कस फोर्स कितना है अप्लाइड फोर्स के बराबर, दैट इज 3.14 न्यूटन,
विस्कस फोर्स इतना है, और विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 pi eta rv, 6 pi eta rv, और हमको क्या निकालना है बेटा, ईटा निकालना, तो क्या आ जाएगा देखो, है ना। अब फोर्स की जो वैल्यू है ये पाई के ही बराबर है, 3.14 pi होता है, तो ये पाई इक्वल्स टू 6 pi eta rv, पाई पाई क्या हो गया कैंसल हो गया, ईटा क्या हो जाएगा यहाँ बचा 1/6 rv, ये हो जा रहा है ईटा, और ईटा ही हमको चाहिए, ईटा इज 1/6 rv, ईटा हो जाएगा 1/6। रेडियस कितना दिया है आपको, 4 cm, मतलब 4 × 10⁻²⁪ मीटर, इंटू कितनी स्पीड से ले जाना है हमको, 5 m/s, तो ये आ जा रहा है ना 1/, तो ये ईटा जो आएगा वो किस में आएगा, डेकापोइज में, क्योंकि सारी चीजें हमने किस में लिए, SI यूनिट में, तो ईटा आ जाएगा बेटा 5/6, ये 100 है ना, ये ऊपर जाके 100 हो गया, 5 × 4 = 20, और नीचे में 6 है, तो 6 × 20, ये आ जा रहा है 100/20, 5/6 डेकापोइज, लेकिन ऑप्शन किस में दिया आपको, पॉइज में दिया है, तो डेकापोइज को अगर पॉइज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10 करोगे, 50/6 पॉइज, तो यहाँ से ईटा आ जाएगा 50/6 पॉइज, है ना, तो आंसर क्या आ जा रहा है बेटा आपका 8.3, 50/6 मतलब 8.3 पॉइज, क्लियर हो रहा है ये। Yes, sir. A metal plate of area 2 meter square is pulled horizontally with a velocity of 0.5 meter per second on a liquid layer 1 millimeter thick. Full stop. The force required if the viscosity of liquid is 12 newton second meter square is. अगर मेटल प्लेट की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है तो टॉप मोस्ट लेयर की भी वेलोसिटी कितनी होगी फ्लूइड की, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लेयर कितना, लेयर की थिकनेस कितनी है, 1 mm थिक, है ना, 1 mm थिकनेस है, या फिर 10⁻³ मीटर, ये थिकनेस है लेयर की। फोर्स रिक्वायर्ड इफ द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज 12 डेकापोइज, विस्कोसिटी दिया है 12 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब SI यूनिट डेकापोइज, ये दिया है आपको, ठीक है, तो फोर्स कितनी लगेगी, जितनी अपोजिंग फोर्स लगेगी, विस्कस फोर्स लगेगी, तो अप्लाइड फोर्स, क्योंकि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके चलना है, एक्सेलरेट नहीं कराना है, अप्लाइड फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर होगी, दैट इज अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू विस्कस फोर्स, दैट इज माइनस ईटा ए डीवी बाय डीवाई, तो यहां से विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना जाएगा ईटा, ईटा कितना दिया 12, एरिया कितना दिया बेटा 2, है ना, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है 0.5, और ये 0, बेड की वेलोसिटी क्या लेंगे 0 लेंगे, तो 0.5 माइनस 0 इज 0.5 अपॉन डिस्टेंस कितना है 10⁻³, तो यहां से आ जाएगा 0.5 और 2 1 हो गया, एफ वी हो जाएगा 10³, ऊपर जाके 1000 और 12 कितना आ जाएगा 12,000 न्यूटन, ये आ जाएगा, यही विस्कस फोर्स भी है और यही अप्लाइड फोर्स भी, इतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी 12,000 न्यूटन की, समझ में आ गया। आयुष कहाँ गड़बड़ हुई थी, 8 drops ऑफ वॉटर ईच ऑफ रेडियस 2 mm आर फॉलिंग थ्रू एयर, आर फॉलिंग थ्रू एयर, फॉलिंग थ्रू एयर एट अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 8 cm/s एट अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 8 cm/s एट अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 8 cm/s फुल स्टॉप इफ दे कोएलीज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, इफ दे कोएलीज, इफ दे कोएलीज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, इफ दे कोएलीज, इफ दे कोएलीज टू फॉर्म a single drop, comma, then the terminal velocity of combined drop will be, then the terminal velocity of combined drop will be first option 32
सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन रहेगा 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन रहेगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द लास्ट ऑप्शन इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए बनाएंगे इसको, अगर जनरल एक फॉर्मूला हम निकालें इसका तो मान लो n ड्रॉप्स है, हर एक का रेडियस है स्मॉल r, n ड्रॉप्स है, ऐसा ऐसा करके n ड्रॉप्स जो है, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, ये फॉल करें थ्रू सेम मीडियम विद सेम टर्मिनल वेलोसिटी vt, है ना, कितने ड्रॉप्स है n, और ये कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस है कैपिटल r, जिसका रेडियस है कैपिटल r, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको निकालना है। v फाइनल कर लेते हैं, चलो इसको v फाइनल, टर्मिनल वेलोसिटी फाइनल केस में कितनी होगी, ठीक है, एश्लीन का भी आ गया है, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे, सभी कंबाइन होके जो है लार्जर है ना, सभी का वॉल्यूम जोड़ के एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम बनेगा, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 4/3 pi r³, टोटल कितनी ड्रॉप्स है n ड्रॉप्स, टोटल कितनी ड्रॉप्स है n, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकेंड ड्रॉप है, ये nth ड्रॉप है ना, फर्स्ट हो गया सेकेंड ऐसे करके, तो ये nth ड्रॉप हो गई, तो टोटल कितनी ड्रॉप्स है n, एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है तो इंटू n कर दो, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, और इसके अलावा अगर एक सिंगल है ना, ये सब मिलके एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस है कैपिटल आर, तो इसके टर्म में कैपिटल आर के टर्म में टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 pi r³, तो 4/3 pi कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा r³ = n r³, देयरफॉर r कितना आ जाएगा, तो r निकालना है तो डिवाइडेड बाय 1/3 मतलब क्यूब रूट करोगे 1/3 से डिवाइड करो, इसको 1/3 करोगे तो 3 × 1/3 ये 1 हो गया, इक्वल्स टू n की पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि n की पावर 1 था तो 1/3 हो जाएगा, इनटू स्मॉल r की पावर 3/3 क्या हो जाएगा स्मॉल r, तो ये एक जनरल फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। लार्जर ड्रॉप का रेडियस कितना होगा vt प्रोपोर्शनल टू r², तो अब किसी एक ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस को फाइनल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस से कंपेयर करेंगे, vt प्रोपोर्शनल टू r² में लगा रहा हूं, एक ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 8 cm/s अपॉन v फाइनल, ये मुझे निकालना है, इक्वल्स टू है ना, जो एक सिंगल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी है उसके सामने सिंगल ड्रॉप का रेडियस का स्क्वायर, सिंगल ड्रॉप का रेडियस कितना दिया है आपको 2 mm, तो 2 mm की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 cm लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04 अपॉन, अब जो फाइनल ड्रॉप है उसके सामने उसके रेडियस का स्क्वायर होगा, तो कैपिटल आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर है एन की पावर 1/3 × r, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो यहाँ भी इंटू टू, तो 2/3 और ये आर स्क्वायर, इस एन की पावर 2/3 × r² ये हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से आर स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा एन की पावर 2/3 × r² और एन कितना है 8, तो 8 की पावर 2/3 × r² स्मॉल आर कितना है यही, उसका स्क्वायर कितना है 0.04, तो 0.04 ये तो कैंसल हो गया, तो यहाँ से फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ गई 8 cm × 8 की पावर 2/3 ये आ गया, अब इसी को हमको सॉल्व करना आना चाहिए 8 की पावर 2, अब 8 को पावर क्यूब में लिखो 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये आ रहा है बेटा देखो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 8 cm × 8 की पावर 2/3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ कि पावर 2/3, 3 और 3 क्या हो गया कैंसल, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 8 = 32, तो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 32 cm/s, आ रहा है समझ में कैसे सॉल्व किए इसको सर, यहाँ से एक बार और समझाएं।